महिंद्रा XUV700 लॉन्च होते ही चार बड़ी कंपनियों की कार्स की सेल्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मिलने वाले हैं आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स। आइए देखते हैं कि 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला है ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, और दूसरा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और तीसरा फीचर्स है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, और चौथा फीचर्स है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर, और पांचवा फीचर्स है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और छठा फीचर से लेन कीप असिस्ट, और सातवां फीचर से हाई बीम असिस्ट LED लाइट्स, और सबसे आखिरी फीचर्स की बात कर लें वो 8 फीचर्स, उसका नाम है पर्सनलाइज स्पीड वार्निंग सिस्टम। महिंद्रा अपने XUV700 के अंदर 8 हाईटेक फीचर्स के साथ XUV700 को लॉन्च करने वाली है, मतलब कि XUV700 फुल्ली हाईटेक फीचर के साथ लॉन्च होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और इसकी कॉम्पिटिशन में आने वाले किसी भी कार्स के अंदर आपको इतने सारे ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स नहीं मिलते। उनमें से है कॉम्पिटिटर में जो XUV आती है वो है टाटा सफारी, MG हेक्टर, होंडा एल्कज़ार और जीप की कंपस। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इसके अंदर आपको बिल्कुल स्प्लिट डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं, जो बिल्कुल रेंज रोवर और लैंड रोवर में मिलते हैं। और इसके अंदर आपको न्यू लोगो मिलने वाला है, जो कि महिंद्रा ने एक ऑफिशियल वीडियो भी लॉन्च किया है, जिसमें दिखाया है कि XUV700 ऐसी पहली SUV होने वाली है जिसके अंदर महिंद्रा का न्यू लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको इतने सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपको MG की ग्लोस्टर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन MG की ग्लोस्टर का जो प्राइस है वो 40 से 45 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन महिंद्रा ने अभी तक XUV700 का जो प्राइस है अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है कि जो इसका प्राइस है वो क्या रहने वाला है। और इसके कॉम्पिटिशन में आने वाले किसी भी कार्स के अंदर आपको बूस्टर हैंडलैम्प और रेंज रोवर लैंड रोवर वाले डोर हैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी ने काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा कि महिंद्रा ने अपनी XUV700 का जो इंटीरियर का जो एक वीडियो भी लॉन्च किया था, इसमें साफ दिखाया था कि जो इसका जो इंटीरियर कितना ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मर्सिडीज़ की तरह एक फ्लैट टच स्क्रीन दे रखी है, जो कितनी ज़्यादा कूल लग रही है। और इसके इंटीरियर में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये SUV 4x4 ऑप्शन के साथ लॉन्च होगी, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स दे रखे हैं, जैसे सैंड मड, जैसे आप चाहो तो जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चला सकते हो। और इसके इंटीरियर में आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा कूल है इस सेगमेंट के हिसाब से, जो कि किसी भी SUV में नहीं आता। और अब बात कर लें इंजन ऑप्शन के बारे में, लेकिन इसकी कॉम्पिटिटर में किसी भी SUV के अंदर इतना पावरफुल इंजन देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाला है 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 180 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क। और दूसरा है 2 लीटर का M-Stallion TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 190 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब बात कर लें इसके कॉम्पिटिटर की, तो इसकी कॉम्पिटिटर में आपको टाटा सफारी, MG हेक्टर और जीप कंपास के अंदर आपको सेम इंजन ऑप्शन मिल जाता है, वह है 2 लीटर का डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क। लेकिन आपको नए एल्कज़ार के अंदर 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है लगभग 115 bhp की पावर। और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे।